हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन क्वेश्चन जबकि बहुत ही इजी है। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखो एक बात अगर आपको पता है अच्छे से कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्लियर? क्या मैंने बोला कि जब डेंसर सॉरी रेयरर टू डेंसर की तरफ रे जाती है तो उस केस में वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। यहाँ पे आप अच्छे से देखें तो देखो रे बेंड हुई है, इधर नॉर्मल की तरफ रे बेंड हुई है। ठीक है, अब जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से ज्यादा है। देन अगर N2 से N1 की सॉरी N3 की तरफ जब रे जा रही है तो यहां पे भी देखो फिर रे बेंड हुई है। ठीक है, वो साफ साफ आपको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब कि N3 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 से ज्यादा है। अब ऑर्डर की मैं बात करूं तो N3 N2 और ये N। क्लियर? अब यहां से उठा करके आप देख ले कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पे आपका N3 ग्रेटर देन N2। ठीक है,